हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राही सेल्स एंड सर्विस। तो आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हेवल्स का एस्प्रो प्लस है। जैसा कि आप देख सकते हैं 500 वाट का 3 जार मिक्सर ग्राइंडर है। इसका जो पावर है वो है 500 वाट और 3 जार वाला है मिक्सर ग्राइंडर। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 5 साल का आपको मोटर वारंटी मिलता है, 2 साल का जो है प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, 304 ग्रेड का जो है स्टेनलेस स्टील का ब्लेड लगा हुआ है और पावरफुल मोटर है। अगर हम इसकी RPM की बात करें तो 21,000 RPM है। उसके बाद ड्यूल एग्जॉस्ट है। ड्यूल एग्जॉस्ट का मतलब हो गया कि दो तरह का एग्जॉस्ट दिया गया है, जिससे जो है इजी कूलिंग होती है और मोटर का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं मोटर कूलिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ड्यूल एग्जॉस्ट आपको दिख रहा होगा, दो तरह का एग्जॉस्ट दिया है जिससे कूल करने में ईजी हो जाता है और मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। और अगर हम साइड में देखें कि इसके साइड में जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है मोटर का, आइटम नेम दिया गया है मिक्सर ग्राइंडर, उसके बाद मॉडल का नाम दिया गया है एस्प्रो प्लस, कलर जो है वाइट लाइट ब्लू है जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर है। उसके बाद अगर रेटेड पावर की बात करें तो 500 वाट का है, रेटेड वोल्टेज की बात करें तो 230 वोल्ट वन फेस AC 50 हर्ट्ज का है। और मैन्युफैक्चरिंग तो इसका 3 अगस्त 2021 का दिया गया है और प्राइस जो है 4,495 कंपनी ने रखा है। उसके बाद थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिए गए हैं और CARE 360 है। CARE 360, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि होम सर्विस इसमें अवेलेबल है 360 दिन। जैसा कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है होम सर्विस विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के अंदर होम सर्विस है। कोई भी आपको परेशानी होती है टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए, कंपनी का जो एक एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर पे विजिट करके आपके जो है प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। दूसरी तरफ भी सेम चीज़ दिया हुआ है। तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अब जो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस तरह के रिलेटेड वीडियोस और इस तरह के प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या निकलने वाला है, किस तरह का होने वाला है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, अनबॉक्स कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी सबसे ऊपर जो दिया गया है वो इसका वारंटी कार्ड दिया गया है, जहाँ पे ऑपरेटिंग मैनुअल इंस्ट्रक्शन वगैरह से दिए होते हैं। इस पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं 2 साल का प्रोडक्ट वारंटी लिखा हुआ है और 5 साल का मोटर वारंटी लिखा हुआ है। मिक्सर ग्राइंडर एस्प्रो, यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है प्रिंट कर दिया गया है 600 वाट, बट ये जो है अच्छा 600 वॉट भी आता है और एस्प्रो 500 वॉट भी आता है, और एक एस्प्रो मॉडल जो है प्लस 500 वॉट भी आता है। 3 तरह का मॉडल है एस्प्रो में। ओके, तो अब जो है पीछे की तरफ अगर हम देखें तो इसका जो है सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद जो है हेवल्स का टोल फ्री नंबर दिया गया है। ये वाला जो नंबर है इस पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं कि कैसा है। तो सबसे ऊपर में जो है देखिए इसका ब्लू कलर का लिड दिया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखिए रबर वगैरह सारा इसमें लगा हुआ है लीकेज से बचाने के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा लिड है। और अगर दो लिड देखें तो ये देखिए और दो बड़े बड़े जार के लिए जो है ये दो लिड है। अब जब हम जार्स को बाहर निकालते हैं तो सबसे ऊपर में जो है एक चटनी जार है, ये देखिए इसका चटनी जार है। चटनी जार में सबसे अच्छा है कि इसमें हैंडल दिया गया है। चटनी जार में हैंडल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी हम मिक्सिंग ग्राइंडिंग करते हैं तो उसको पकड़ने में थोड़ा सा जो है ईजी हो जाता है, बिना हैंडल के जो है थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हैंडल हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं भी हो तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हैंडल दिया गया है और पीछे आप देख सकते हैं प्लास्टिक का कपलर लगा हुआ है, और ये इसका स्टेनलेस स्टील का 304 ग्रेड का जो है ब्लेड है लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा। ओके, तो अब हम अगले जार की तरफ बढ़ते हैं, लिक्विडाइजिंग जार। ये इसका लिक्विडाइजिंग जार है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका लिक्विडाइजिंग जार है, इसमें भी जो है हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए, और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो कपलर लगा हुआ है।
और ये इसका स्टेनलेस स्टील का ब्लेड है। अब अगले जार की बात करें तो सबसे बड़ा वाला जो जार है वो ये है, बहुत ही लंबा सा जार है, आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा जार है। उसके बाद इसमें भी हैंडल दिया गया है, फिर पीछे जो है कपलर दिया गया है, और ऊपर में जो है स्टेनलेस स्टील का ब्लेड दिया गया है। इसमें नेगेटिव एक चीज़ ये है कि इसका जो ब्लेड है किसी एक में कम से कम जो है दो ब्लेड देना चाहिए, सब में सिंगल ब्लेड लगा हुआ है, किसी एक में जो है डबल ब्लेड देना चाहिए। खैर कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है, जिस टाइप का यूसेज रहता है उस हिसाब से जो है ब्लेड को डिज़ाइन करके डालती है। फिर भी कुछ कस्टमर्स के डिमांड रहते हैं कि ब्लेड अगर डबल रहे तो ज़्यादा ईजिली ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा पावरफुल चीज़ें को जो है हार्ड चीज़ों को है काटना ईजी हो जाएगा। ओके, तो अब ये हमारा जो है मिक्सर ग्राइंडर एस्प्रो प्लस जो है बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर बाहर आ चुका है, तो मैं आपको सामने से लुक दिखाता हूँ इसका। देखिए सबसे ऊपर में जो है हैवेल्स लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप हैवेल्स लिखा हुआ है, उसके नीचे एस्प्रो प्लस लिखा हुआ है और 3 पॉइंट सेटिंग्स दिया है, एक पल्स ऑफ, उसके बाद 1 2 3 सेटिंग्स दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो ये देखिए ड्यूल एग्जॉस्ट कूलिंग जो मैं बता रहा था, देखिए एक ये है और दूसरा इस तरफ है ड्यूल एग्जॉस्ट कूलिंग। इससे क्या है कि मोटर का लाइफ बढ़ता है, जल्दी कूल होता है तो गर्मी से मोटर नहीं जलता। उसके बाद ये कॉर्ड आप देख सकते हैं, 2 मीटर का कॉर्ड दिया गया है इसके अंदर। आपको मैं ओपन करके खोल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी पैकिंग जो है बिल्कुल सिंपल पैकिंग की गई है, जिस तरह से दूसरे मिक्सी को वगैरह को जो है बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं वो फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए, तो इसमें उतना कुछ ख़ास नहीं किया गया लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये इसका कॉर्ड है, 2 मीटर का कॉर्ड। ये इसका कपलर आप देख सकते हैं, ये इसका कपलर, इसमें प्लास्टिक का कपलर है। प्लास्टिक को हमने टोटली रिमूव कर दिया है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो हैवेल्स का कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे हैवेल्स का नाम है, यहाँ पे पीछे रीसेट बटन है, उसके बाद इसका बारकोड है, सीरियल नंबर। उसके बाद ये देखिए आप तीन आप ब्लैक कलर का 3 पॉइंट देखते होंगे, ये अच्छा ग्रिप बनाता है, प्लास्टिक का वैक्यूम ग्रिप बनाता है। उसके बाद नीचे भी कूलिंग के लिए जो है वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है, जिससे ईजिली कूल हो सके आपका मोटर। तो ये हमारा एस्प्रो प्लस है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये हमारा वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में बेहतरीन सा खूबसूरत सा। तो हमारे वीडियोस को जो है लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।